कुछ जंगें इसलिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं क्योंकि वो हक अधिकार और न्याय के लिए सच के साथ खड़े थे। वो कहेंगे, उनके लोग कहेंगे कि भारत के संविधान को बदल देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, हम कहेंगे नहीं, गलत है। बहस किस पर हो रही? हिंदू राष्ट्र पर, कि भाई जात व्यवस्था हमने नहीं बनाई। अरे नहीं बनाई तो संघ ये घोषणा कर दे, मोहन भागवत ये घोषणा कर दे कि जात खत्म कर रहा हूँ। आरएसएस स्पष्ट करे कि अगर जाति है तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। बिना ब्लड मैच किए ब्लड नहीं चढ़ा सकते, आप गर्दन चढ़ाते तो रक्षा मंत्री राफेल विमान आएगा तो उस पर नींबू और मिर्चा लटकाएगा और पूरे देश का मीडिया उसे दिखाएगा कि हम नजर उतार रहे हैं। और अचानक जब विज्ञान का खोज हुआ, केपलर आया, गैलीलियो आया, धर्म ग्रंथ ही गलत हो गया। हम विज्ञान को खत्म करना चाहते हैं, हम अंधविश्वास को खड़ा कर रहे हैं। अब ये बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि भाई ये वाला मंत्र पढ़ते गर्भवती महिलाएं तो बच्चा संस्कारी पैदा होगा। जो वंचित शोषित किसान कामगार कमेरा लोगों के मेहनत कश लोगों के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनके तमाम संगठन मिल करके एक बहुसंख्यक सम्मेलन संघ बनाया हुआ है। उन संघ से एक यूनिटी से बहुत सारे मुद्दे जो इस देश के सबसे ज़रूरी मुद्दे हो सकते हैं, जैसे जाति जनगणना का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, निजीकरण का सवाल है और पुरानी पेंशन का मसला है, यानी केवल SC ST OBC का नहीं, इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं जो भारत के भारतीयता को बचाने और बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। जैसे इस देश में इस समय हर तरफ केवल धर्म के नाम पर बहस हो रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और तमाम तरह की सांप्रदायिक नफरत की आग, बांटने तोड़ने लड़ाने की बात की जा रही है। ऐसे सम्मेलन देश को बचाने का काम कर रहे हैं। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान को बचाना, संविधान की मूल भावना को बचाना और उसमें सबसे कमज़ोर और हाशिए पर ढकेल दे गए व्यक्ति को उसका हक अधिकार मिले, सबको बराबर का न्याय और सम्मान मिले। पुरानी पेंशन का मसला आप बताइए कि केवल SC ST OBC का है? नहीं है। संविधान को बचाने का मसला केवल SC ST OBC का है? नहीं, पूरे भारत का है। तो ये एक सम्मेलन ऐसा हो रहा है कि इस देश में जब इतिहास लिखा जाए, अगर ये लड़ाई जीत ली है इन लोगों ने, कि इस देश के मेहनतकश लोगों ने अगर ये लड़ाई जीत ली तो इनका नाम इसलिए इतिहास में याद किया जाएगा कि जब संविधान को ख़त्म किया जा रहा था, तमाम तरह से हमले हो रहे थे तो कुछ लोग बचाने वाले थे। लेकिन अगर ये लड़ाई हार जाते हैं, तो भी हारे हुए लोग इतिहास में इसलिए भी याद किए जाते हैं कि वो किसके पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे थे। हर जंग जीत ली जाए तभी इतिहास में दर्ज हो, ये ज़रूरी नहीं। कुछ जंगें इसलिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं क्योंकि वो हक अधिकार और न्याय के लिए सच के साथ खड़े थे। इसलिए मैं इस तरह के किसी भी आयोजन में शामिल होकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने की कोशिश करूं। 2024 की तैयारी है क्या? 24 तो एक चुनाव है। अगर ये कहा जाए कि चुनाव दर चुनाव, इस देश में कई तरह के चुनाव होते रहे हैं, तमाम पार्टियाँ चुनाव जीतती हैं, हारती हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत ठोस ढंग से बदलाव, कोई बहुत बदलाव नहीं आता। इस समय जो सरकार है वो एक जगह पर बाकी पिछली सरकारों से अलग थी और वो ये कि ये भारत के संविधान को ही ख़त्म कर देना चाहती है। इस देश में जो साझा शहादत से बना साझा विरासत का भारत है, जिसमें सब मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी का हक अधिकार उस तरह से नहीं, दुश्मन बना के नहीं करता, ये सरकार उसको नेस्तनाबूद कर रही है। हर जगह मुद्दे पर धर्म, हर जगह मुद्दे पर आपस में लड़ना, इससे बचाने के लिए ये चुनाव तो बहुत अहम है। और ये बात ठीक है कि अगर कोई संविधान को ही ख़त्म करना चाहे और उसके अनुषांगिक लोग ये कहें कि 2024-25 में जाकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भारत के संविधान को बदल देंगे, तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है। और अगर इस खतरे को, इस देश को इस खतरे से बचाना है, तब तो आपको 24 का चुनाव किसी भी तरह से उन ताकतों को हराना होगा। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है पूरे देश में सर, मैं वही कह रहा हूँ कि 24 का चुनाव इस देश के लिए इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर ये चुनाव फिर से वो ताकतें जीत जाती हैं जो खुलेआम इस देश में लिंचिंग के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाती, दलितों के उत्पीड़न पर कोई बहुत अफसोस उनको नहीं होता है, OBC के हक अधिकार मारने के लिए कोई अफसोस नहीं, वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे, खुलेआम नहीं कराएंगे, वो कहेंगे, उनके लोग कहेंगे कि भारत के संविधान को बदल देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये लोग सरकार में वापस आ गए
तो निश्चित रूप से 24 के बाद का भारत तो बहुत बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए इस चुनाव को लेकर के। और हिंदू राष्ट्र देखिए, एक तो हिंदू राष्ट्र कोई बनने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भारत का संविधान एकदम से खत्म कर दो, ये संभव नहीं लगता है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो संविधान की अहमियत समझते हैं, वो सारे लोग संविधान को बचाने के लिए सड़क पर आएंगे। अभी जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ लोगों को सांप्रदायिकता में मजा आ रहा है, कुछ लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने में मजा आ रहा है, हो सकता है ये बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। हाँ, ये सब सरकार बनाने में बड़ा काम करता है। अगर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते रहो तो बाकी लोगों को शिक्षा रोजगार सवाल जो महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं शिक्षा बिक गई, इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बात किस पर होगी, हिंदू मुस्लिम पर। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे, हम कहेंगे नहीं गलत है, बहस किस पर हो रही, हिंदू राष्ट्र पर, ये उनकी पेच है। वो कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 4 शादी कर रहे हैं, ये ट्रिपल तलाक, ये वो। हम कहेंगे शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने को बोले थे वो कहाँ गया। जहाँ सरकार फंसती उस पर बहस न हो, इसलिए अपने कुछ लोगों को छोड़ रखा है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र वाला काम कर गया मामला, तो हिंदू राष्ट्र बना भी देगा। और हिंदू राष्ट्र बस असल में है नहीं, वो अपर कास्ट अपर क्लास मेल हेजमनी का थोड़े से लोगों का एक राष्ट्र बन जाएगा, बाकी लोग मजदूर और गुलाम की हैसियत में रहेंगे, थोड़े से लोग शासक की हैसियत में रहेंगे। सर, सीएम साहब ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, सर कैसे देखते हैं? ये जो आपका आंदोलन हो रहा है, क्या इसी का डर मोहन भागवत को सता रहा है, जो बयान दे रहे हैं लगातार? देखिए, एक बात तो सच है कि इस देश में जितने भी वंचित शोषित लोग हैं, किसान जातियां हैं, मेहनत कश लोग हैं, उन लोगों में एक चेतना बढ़ी है, भारत के संविधान को वो पढ़ रहे हैं, उनके बीच एक पहली पीढ़ी ऐसी आई है जो थोड़ी समझदार हुई है, वो अपने सरकारों सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों से डर कर घबरा कर कुछ लोग चाहते हैं कि मुद्दा भटका रहे, इसलिए वो बीच बीच में, पहले 2015 के चुनाव में यही मोहन भागवत ने क्या बोला था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और बिहार जो कि सामाजिक न्याय के रूप से लिहाज से एक उर्वर जमीन है, उसने समीक्षा अच्छे से कर दी, उनका चुनाव हार गए वो, फिर से हारे हुए चुनाव को पार्टी तोड़ लो, विधायक खरीद लो, वो सब कर करके उन्होंने फिर सरकार बना ली। फिर से आप देखेंगे 2018 में 2 अप्रैल का भारत बंद रहा हो SC एस्टी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर, 5 मार्च का भारत बंद रहा हो 13-point रोस्टर पर, उसके बाद हाथरस का मामला रहा हो, जितेंद्र मेघवाल का मामला रहा हो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनने का मामला रहा हो, जाति जनगणना का सवाल रहा हो, आप देखेंगे पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है इस समय, भले ही वो उतना मजबूत नहीं जितना होना चाहिए। अगर वो 90% है तो उनका आंदोलन मजबूत होना चाहिए, उतना मजबूत नहीं है। हम लोग कोशिश में हैं कि शिक्षा के सवाल, रोजगार के सवाल, आरक्षण के सवाल, सामाजिक न्याय के सवाल और मजबूत, लेकिन इतने मजबूत हैं कि वो मोहन भागवत को डराते हैं, इसलिए वो सफाई देते हैं कि जाति हमने नहीं बनाई, हमारे धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा है, यानी बहस तो शुरू हो ही है। अगर इस देश में पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, समझदार लोग अपने हक के लिए थोड़ा और जागरूक हो जाएंगे, तो धीरे धीरे और पन्ने खुलेंगे, थोड़ी देर और पढ़ाई होगी, थोड़ा और हिसाब मांगा जाएगा, थोड़ी और सफाई आएगी कि भाई जात व्यवस्था हमने नहीं बनाई। अरे नहीं बनाई तो संघ ये घोषणा कर दे, मोहन भागवत ये घोषणा कर दे कि जात खत्म कर रहा हूँ, ये सारे लोग EWS आरक्षण को खत्म करके कहें कि जाति के नाम पर हुआ अन्याय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में, और जाति के अन्याय पर सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा लाभकारी योजना कौन सी थी, आरक्षण, इससे लाभकारी योजना दुनिया में दूसरी नहीं हुई। उसके लिए तुम लोग रोज हिंदू राष्ट्र वालों कहते हो कि आरक्षण गलत है, जाति के नाम पर आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये RSS और मोहन भागवत ये कहें कि जब तक जाति नहीं खत्म होगी तब तक जातिगत आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। अब जातिगत आरक्षण नहीं खत्म कर सकते तो सारे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में भेज दिया, तो जरा कह दें कि ये निजीकरण गलत है। RSS अपना कुछ विचार स्पष्ट कर दे, RSS स्पष्ट करे कि अगर जाति है तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर धर्म के नाम पर धर्म की गिनती होती है जनगणना में तो RSS ने कभी ये विरोध क्यों नहीं किया कि धर्म क्यों गिना जा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, वो जाति का विरोध क्यों करते हैं? JNU में गर्भवती जो संस्कार की प्रक्रिया चल रही है, इनसे डॉक्टर बुलाए गए हैं बाकायदा, किस तरह देखते हैं पूरी प्रक्रिया? अब जिस देश में एक समय ऐसा आया हो कि वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति जाकर ये कहे कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी के प्रयोग हैं, पहली प्लास्टिक सर्जन कौन है, शंकर भगवान है, हम नाली के गैस से चाय बनाया करते थे, हम जो है बादल आ गया तो हमने कहा वैज्ञानिकों से कि अब रडार काम नहीं करेगा, अब अटैक कर दो, पूरे देश में इसको कबूल कर लिया गया। सर, एम्स के डॉक्टर कहे सर, मेरी बात सुनिए, जैसे ही ये वैज्ञानिकों की मीटिंग में कबूल कर लिया गया तो भाई वैज्ञानिक से बड़ा कौन, वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काम करता है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में है कि हम इस देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाएंगे। और जब जब प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कही तो इसका विरोध कहीं हुआ क्या? इस देश के कोई वैज्ञानिकों की टीम ने यह घोषणा की क्या? कोई पत्र निकाला क्या कि नाली के गैस से चाय नहीं बन सकती? नहीं तो ये सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया है इसको कम कर दो, क्योंकि हर जगह नालियां हैं, सब जगह गैस सिलेंडर लगा के पैदा करो। वैज्ञानिकों ने विरोध नहीं किया। वैज्ञानिकों ने विरोध इसका नहीं किया कि रडार का बादल से कोई कनेक्शन नहीं। वैज्ञानिकों ने इसका विरोध नहीं किया कि जो है प्लास्टिक सर्जरी का ये उदाहरण हो ही नहीं सकता, बिना ब्लड मैच किए ब्लड नहीं चढ़ा सकते, आप गर्दन चढ़ाते। मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, जब एक देश में इस तरह के अंधविश्वास को फैला दिया जाएगा तो रक्षा मंत्री राफेल विमान आएगा तो उस पर नींबू और मिर्चा लटकाएगा और पूरे देश का मीडिया उसे दिखाएगा कि हम नजर उतार रहे हैं। और जब ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो एक दिन अचानक देश में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो जाएगा? जो एक बाबा होगा और पन्ने पर किस्मत बताएगा और टीवी चैनल पर बैठ करके लोग कहेंगे कि ये बाबा चमत्कार दिखाते हैं, जबकि टीवी चैनल वालों को ये कहना चाहिए कि ये तो अंधविश्वास है यार, ये अंधविश्वास है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप अपने विज्ञान को अपने विद्यार्थियों के प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में क्या पढ़ाते हैं? सौर मंडल, गैलेक्सी, सूरज का तापमान इतना है, सूरज धरती से इतनी दूर है। एक धर्म ग्रंथ था इस दुनिया में, उस धर्म ग्रंथ ने यह लिखा था कि पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है, पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। और अचानक जब विज्ञान का खोज हुआ, केपलर आया, गैलीलियो आया, धर्म ग्रंथ ही गलत हो गया और हम दुनिया ने विज्ञान को अपना लिया। दुनिया आज कहाँ है? हम विज्ञान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम अंधविश्वास को खड़ा कर रहे हैं। ये मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी चिंता है कि मेरे विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा में ये पढ़ाया जाता है कि सूरज का तापमान इतना है, इतनी दूरी पर है, इतना आकार बड़ा है, और ये सौर मंडल तो एक मंडल है, गैलेक्सी है, मिलियन सब ये जो है चीज़ें हैं, अभी विज्ञान तो वहाँ खोज भी नहीं पाया। और हमारे धर्म की किताबें वाले हमको बताते हैं कि हम लोग ये हैं, मैं क्या उस पर टिप्पणी करूं? मैं ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर ढेर सारे इस जगह पर हो गए हैं जो उस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा करके सरकार उन्हें कुछ कुछ ओहदा दे देती है। आपको इसरो का कुछ बना देगी, आपको वाइस चांसलर बना देगी, आपको किसी कमेटी का हेड बना देगी, आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। सर, यूपी में बुलडोजर चल रहा है कि अहमद को डर है उनकी फैमिली को कि एनकाउंटर ना हो जाए कहीं से भी। मैं बुलडोजर वाले हर सवाल पर केवल एक बात कहता हूँ, भारत में एक न्यायपालिका है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ है और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, जो सही और गलत है वो न्यायपालिका में साबित हो, उसकी पूरी वैधानिक प्रक्रिया है, उसे पालित करते हुए न्याय जो कहता है उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई संविधान विरोधी है और किसी भी ऐसी कार्रवाई का हम समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका मजबूत हो और वह न्यायपालिका मजबूत होकर के अपराधी की जाति और धर्म देख करके सजा और बुलडोजर न चलाए। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दूंगा तो पहले अपने वाले मुकदमे को मिट्टी में मिला दिया? ऐसा देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जो पहले अपने ऊपर मुकदमे थे उसको पहले मिट्टी में मिला दिया। भाई अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उसको न्याय प्रक्रिया पूरी होने देते। जितने मुसलमान हैं वही मिट्टी में मिलेंगे कि उन मुख्यमंत्री की जाति वाले अपराधी भी मिट्टी में मिलेंगे? दर्जनों अपराधी आज बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं, कौन मिट्टी में मिलेगा? और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह भाषा शोभा देती। आपके हाथ में, आप एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपको जनता ने चुन दिया, हम चाहें ना चाहें आप उस उत्तर भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप एक बहुत संवैधानिक ओहदा है, आपकी भाषा में एक नम्रता मर्यादा दिखनी चाहिए। मैं अभी उस बात पर छोड़ देता हूँ कि आप योगी हैं तो आपको क्रोध क्यों आता है, आप योगी हैं तो आप जाति कैसे याद करते हैं, मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं मानता ही नहीं कि वो योगी हैं, लेकिन मैं कम से कम ये मानता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप मिट्टी मिला दूंगा? अरे कोई ज़रूरत नहीं इस भाषा की। आप अपने आपके कलम में इतनी ताकत है, आप अच्छे से न्याय प्रक्रिया को पूरा करिए, आप वो सजा दिलाइए और उसमें जाति और धर्म आड़े ना आए, एक अच्छा सूबा चलाइए। बहन मायावती जी उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शासिका रहीं जिन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी चलाई कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई ये आरोप लगा दे कि कोई जाति और धर्म देख करके उनका कानून व्यवस्था चलती थी। अपराधी थर थर कांपते थे। यहाँ गृह मंत्री कहता है कि दूरबीन लगा के खोजने पर अपराधी नहीं मिल रहे और दिन दहाड़े शूटिंग हो रही है।
मुख्यमंत्री कहता है अपराधी या तो जेल में है या बाहर है, और अपराधी उसके सामने बगल में गृह मंत्री का बेटा, कौन कौन है, मैं क्या गिनाऊं। मैं इस देश की जनता से शिकायत करता हूं कि जनता, मैं अगर अकेले सवाल पूछूंगा आप लोग पूछेंगे, आपके ऊपर ईडी सीबीआई आ जाएगी, मेरे ऊपर केस मुकदमा आ जाएगा, हम लोगों की आवाज़ें दबा दी जाएंगी। अगर इस देश की आवाम जागरूक हो जाएगी तो कितनों को गोली मारोगे, कितनों को जेल में डालोगे। हम चाहते हैं कि जागरूकता फैले और संविधान को लोग पढ़ें, मानव मूल्यों को पढ़ें। वही मुख्यमंत्री का हिसाब लेंगे, वही अंधविश्वास का हिसाब लेंगे। अब ये बड़े बड़े लोग, वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि भाई ये वाला मंत्र पढ़ते गर्भवती महिलाएं तो बच्चा संस्कारी पैदा होगा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कुसंस्कारी, अब मैं उस पर और नहीं बोलना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए। काट क्या है सर? काट वैज्ञानिक चेतना है, अध्ययन, शिक्षा, कलम, किताब। इस देश में सबको शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए उनको चेतना से, डिग्री वाली शिक्षा नहीं, चेतना वाली शिक्षा। इस देश के हर विद्यार्थी के हाथ में कलम होगी ना, हर विद्यार्थी के हाथ में किताब होगी ना, धीरे 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 वो पढ़ते पढ़ते अपना सवाल। लेकिन सर ये आपके तर्क ना, जब कहा जाता आसमानी किताब आई है, वो खत्म हो जाते हैं। नहीं, मैं जब ये बात कहता हूँ तो किसी भी धर्म के लिए नहीं कहता। मैं जब पाखंड का विरोध कहता हूँ तो क्या कहता हूँ, क्या कि हिंदू धर्म के पाखंड का ही विरोधी हूँ, दूसरे धर्म के पाखंड का नहीं? अंधविश्वास कबीर की बात जब मैं करता हूँ तो कोई धर्म के, मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया। जिस जिस धर्म में ये सब चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब हटें। कोई भी धर्म अगर इंसान को इंसान से लड़ा रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। कोई भी धर्म अगर बांट रहा है, तोड़ रहा है, नफरत करा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने नाम किसी धर्म का लिया ही नहीं। और दूसरी बात, धर्म सर आदमी के जीवन में काम क्या करता? अब ये धर्म वाले बताएंगे, बाबा लोग बताएंगे जो किस्मत बता रहे हैं। मैं उसका कोई लाभ मुझे मिला नहीं धर्म का, मुझे शिक्षा का लाभ मिला है मेरे, मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का लाभ मिला है, किताबों का लाभ मिला है। मैं वो लाभ बता सकता हूँ कि बहुत काम की चीज़ें हैं। धर्म वाला लाभ मुझे पता ही नहीं कि क्या मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा लोग धार्मिक हैं, मंदिर जाते हैं, उन बेचारों को दवाई मिल जाए, उन बेचारों की बीमारी ठीक हो जाए, धर्म उन्हीं का फायदा कर दे, बेघर को घर मिल जाए, बीमार को इलाज मिल जाए, अशिक्षित को शिक्षा मिल जाए, बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, ये सारे धर्म वालों का कल्याण हो जाए। अछूत रह गया, मैं अछूत अछूत की बात है, मेरे लिए वो इररिलेवेंट, जो धर्म का ज्ञान है अछूत रह गया, मेरे लिए इररिलेवेंट सवाल है, मेरे लिए वो धर्म एक इररिलेवेंट सवाल है। मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। मुझे ज्ञान किताबों से मिला, अध्ययन मिला, मुझे नौकरी अपनी प्रतिभा से मिली, शिक्षा से मिली, विश्वविद्यालयों से मिले, मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में हर बच्चे को शिक्षा मिले। बहुत शुक्रिया।